हेलो दोस्तों, आज बिंदिया किचन में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार चटनी, जिसे आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। अक्सर गर्मियों के दिनों में हमारा सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर कुछ टेस्टी और चटपटा चाहिए ही होता है। तो ऐसे में आप इस खट्टी मीठी चटपटी टमाटर की चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कम समय कम मेहनत में इतनी टेस्टी और जबरदस्त बनती है कि आप इसे पूरी, पराठा, चपाती, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो झटपट बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने लगभग 1 किलो टमाटर लिए, और टमाटर आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से लाल ही होने चाहिए। लाल टमाटर लेने से क्या होगा ना कि हमारी जो चटनी है उसमें काफी बढ़िया कलर और टेस्ट आएगा। तो यहाँ हमने टमाटर को अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। अब टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ टमाटर को बॉईल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे एक टमाटर, और टमाटर के जो पिछला हिस्सा है इस पर हम चाकू की सहायता से इस तरह से कट लगा देंगे। पूरा कट नहीं लगाना, बस थोड़ा सा क्रॉस के अंदर इस तरह से कट लगा देंगे, ये देखिए। और अब सारे टमाटर पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम टमाटर को बॉईल करेंगे ना तो उसको स्किन को रिमूव करना आसान होगा। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर को इस तरह से क्रॉस में कट कर दिया है। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही पानी को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने जो टमाटर को स्लिट करके रखा था ना, वो सारे यहाँ हम डाल देंगे। अच्छा, पानी हम यहाँ बस इतना ही डालेंगे कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से डूब जाए। और अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से बॉईल होने देंगे, जिससे हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और 1-2 मिनट के बाद देखिएगा, हमारे टमाटर के जो ऊपर की स्किन है वो हल्की सी रिमूव होने लगेगी और इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। आप यहाँ चाहे तो टमाटर को डायरेक्ट कट करके भी चटनी बना सकते हैं, पर इस तरह बॉईल करने से क्या होगा ना, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये देखिए, हमारे टमाटर में अच्छा सा बॉईल आ गया और इसमें क्रैक्स भी आ गए, ये देखिए स्किन भी रिमूव होने लगी है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर को एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जिससे हम इसकी स्किन को आसानी से रिमूव कर सकें। तो यहाँ हमारे टमाटर हल्के से ठंडे हो गए। अब हम टमाटर के ऊपर की स्किन को हम रिमूव कर देंगे, ये देखिए कितनी आसानी से इसकी स्किन निकल रही है। दोस्तों, जब घर में कोई सब्जी ना हो या सब्जी खाने का मन ना हो तो आप एक बार इस टमाटर की चटनी को जरूर बनाइएगा, और इसे आप एक बार बना करके 5 से 6 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने टमाटर के स्किन को अच्छे से रिमूव कर लिया है। तो बस इसी तरीके से हम सारे टमाटर के ऊपर के छिलके को निकाल देंगे, और इस तरह टमाटर की स्किन को रिमूव करने के बाद इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो इसे मेशर से मेश भी कर सकते हैं, पर इसे हम फाइनली ग्राइंड ही करेंगे। तो यहाँ मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। और टमाटर को इस तरह कट करने के बाद यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, और सारे टमाटर के पीसेस को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करेंगे। और अब इसे हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। ध्यान रहे, इसका हमें फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का सा पल्स मोड पर यानी रुक रुक कर दरदरा सा इसे पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। और ये देखिए, हमें यहाँ इसका बस इस तरह से दरदरा टेक्सचर ही चाहिए। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में, और गैस पर हम यहाँ रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और हमारी चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए यहाँ हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग, और इन्हें हम अच्छे से चटकने देंगे। और जब हमारे राई और जीरा बढ़िया से चटक जाए, इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 1 कप प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे, जिससे हमारे प्याज का सारा कच्चापन निकल जाए और ये हल्के से सॉफ्ट होकर ट्रांसलूट हो जाए। अच्छा, अगर आप चटनी में लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो यह हमारा जब तक प्याज अच्छे से पकता है, हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बोल, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से हमारी चटनी में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 छोटे चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, हो तो आप इसे जरूर से डालें। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
पानी में इस तरह मसालों को मिक्स करने से क्या होगा ना कि हमारे मसाले पानी में अच्छे से फूल जाएंगे और ये फिर जलेंगे भी नहीं। और ये देखिए एकदम लम्स फ्री हमारा मसाला का पेस्ट है बिल्कुल तैयार। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। और इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट होकर ट्रांसलूट हो गए, तो बस इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक कुटी हुई, साथ ही इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ तीखापन अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यह हमारे अदरक मिर्ची भी प्याज के साथ अच्छे से भुन गए। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारी मसाला पेस्ट, जो अभी हमने तैयार करके रखा था ना वो सारा हम यहाँ डाल देंगे। और इसे भी हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा मसाला बढ़िया से पक जाए और इसका सारा कच्चापन निकल जाए। मसालों को इसी स्टेज पर डालने से एक तो इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और यहाँ हमारा मसाला जलेगा भी नहीं। तो बस इसे हम तेल छूटने तक अच्छे से पकाएंगे। और ये लीजिए हमारा मसाला बढ़िया से पक गया और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हमने जो टमाटर को फोर्सली ग्राइंड करके रखा था ना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स, जैसे सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए। और अब टमाटर गया है तो नमक जाएगा ही, तो यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें टमाटर को मसाले के साथ इतना पकाना है कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए, यानी इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा रिमूव हो जाए, हमारा मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अगर हम यहाँ चटनी को 7 से 8 दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए यहाँ पानी का सूखना बहुत जरूरी है, ताकि इसमें सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए और हमारी चटनी लंबे समय तक टिकी रहे। और ये देखिए हमारी चटनी में एक अच्छा सा बॉइल आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम यहाँ इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, जिससे हमारे टमाटर का सारा कच्चापन निकल जाए और ये मसाले के साथ बढ़िया से पक जाए। लगभग 6 से 7 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा टमाटर बढ़िया से पक गया है, इसका पानी काफी हद तक सूख गया और हमारी चटनी हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना था। अब दोस्तों अगर आपको ये टमाटर की स्पाइसी चटनी चाहिए तो इस स्टेज पर आप थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके आप इसे बंद कर सकते हैं, आपकी टमाटर की स्पाइसी चटनी तैयार है। पर यहाँ मुझे आज टमाटर की खट्टी मीठी चटपटी चटनी चाहिए, तो मिठास के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ शक्कर। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप यहाँ शक्कर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ को थोड़ा सा क्रश करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे भी हम एक बार बढ़िया से मिक्स कर देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। दोस्तों ये टमाटर की चटनी इतनी टेस्टी और जबरदस्त बनती है कि आप इसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो बच्चों के टिफिन हो या फिर आप कभी ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं तो आप इसे आसानी से ले जा सकते हो। ये 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और आप इसे अगर ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये देखिए हमने सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए, सभी चीजें बढ़िया से घुल मिल जाए और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो जाए। 5 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सुपर्ब, क्या परफेक्ट कलर आया और तेल भी बढ़िया से सेपरेट हो गया है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी इसका सूख गया। और ये देखिए क्या परफेक्ट दरदरा टेक्सचर आया है, कलर और क्या रंगत आई है, देखते ही लग रहा है ना मजेदार। जब आप इस चटनी को इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों या बड़े सब इसके चटकारे ले लेकर खाएंगे। तो यह हमारी चटनी तैयार है। और अब हमारी चटनी को थोड़ा और भी फ्लेवरफुल और फ्रेशनेस के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, आप इसे चाहे तो हरे धनिया के पत्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस चटनी को आपको लंबे समय यानी कि 15 से 20 दिन के लिए या फिर 1 मंथ के लिए रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 बड़े चम्मच सिरका डाल दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक और पका लें, तो आपकी टमाटर की चटनी लंबे समय तक टिकी रहेगी। पर यहाँ मुझे चटनी को सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए रखना है, तो यहाँ मैं सिरका अवॉइड कर रही हूँ। तो यह हमारी चटनी तैयार है, तो चलिए इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। दोस्तों एक बार इस टमाटर की चटनी को मेरे तरीके से जरूर ट्राई करना, मेरी गारंटी कि आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और इस चटनी को यहाँ हम गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते के साथ। और ये लीजिए हमारी सुपर सुपर टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार टमाटर की चटनी है बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों आप इस खट्टी मीठी चटपटी चटकारेदार चटनी को कब बना रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।